हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आईपीएल जिस तरीके से लगातार रोमांच से भरी हुई पूरे के पूरे ये सीजन चल रहा है, आईपीएल का 15वां सीजन। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के कोच में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, आपको ये तस्वीर जरूर दिख रही होगी, वीवीएस लक्ष्मण अब भारतीय टीम के कोच होंगे। सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, ना कोई बात ऐसी ना कोई खबर ऐसा जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल द्रविड़ के जगह पर वीवीएस लक्ष्मण जो है वो भारतीय टीम के कोच के तौर पे अब जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई थी, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई थी, बकायदा राहुल द्रविड़ को बयान भी देना पड़ा था उसे लेकर। राहुल द्रविड़ जो है उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मतलब किसी मीटिंग में या कहीं जाने की खबर लेकर आई थी कि उस दौरान राहुल द्रविड़ जो है वो वहां जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिसलीड इस खबर को लेकर लगातार चीजें हो रही थी। राहुल द्रविड़ ने इस बात को लेकर अपनी जो है वो अपना बयान भी दिया था। लेकिन ये तस्वीर, वीवीएस लक्ष्मण बहुत ही कद्दावर खिलाड़ी रहे हैं भारतीय टीम के लिए, खास तौर पे जिस तरीके से इनके ऊपर भरोसा जताती थी भारतीय टीम के जो बल्लेबाजी की शैली थी। लेकिन अब सीनियरिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के कोच के तौर पे दिखाई दे सकते हैं, और ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन अब इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं, क्योंकि इतना मामला भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा आपको। तो चलिए बताते हैं आखिर वीवीएस लक्ष्मण को लेकर ये खबर क्यों है, आखिर वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम के कोच के तौर पे क्यों देखा जा रहा है, ऐसी खबरें क्यों लगातार सोशल मीडिया पे भी अब ट्रेंड कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय टीम जो है वो एक तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत आकर T20 सीरीज खेलने वाली है, और आयरलैंड के साथ भी दो मुकाबले खेलने वाली है भारतीय टीम। लेकिन इस बीच एक और खबर है कि भारतीय टीम का विदेशी दौरा भी है, और वो दौरा है इंग्लैंड को लेकर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं BCCI मैनेजमेंट ने एक कहीं ना कहीं सोची समझी एक रणनीति बनाई है, जिससे लेकर वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम का कोच बनाया उस टीम के लिए जो टीम साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबले खेलेगी और आयरलैंड के साथ दो मुकाबले T20 के खेलने वाले, और उस टीम के कोच के तौर पे वीवीएस लक्ष्मण होंगे। ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। अगला चैप्टर ये है कि आखिर राहुल द्रविड़ क्यों इस दौरान कोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको टीम को लेकर इंग्लैंड दौरे पर जाना है, और इंग्लैंड और जो इंग्लैंड दौरा है वो भी बहुत ज़्यादा अहम होगा, और इसलिए कहीं ना कहीं ये दो टीमें जब बनेगी तभी दो कोचों की आवश्यकता होगी। आप सबको पता है कि भारतीय टीम का जो स्क्वाड है, जिस तरीके से भारतीय टीम के पास खिलाड़ी, BCCI के पास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, एक टीम जो है वो यहाँ भारत में खेलेगी तो दूसरी टीम जो है वो इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। तो कुल मिलाकर खबर यही थी कि वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के कोच के तौर पे आपको दिखाई देने वाले हैं, लेकिन सिर्फ दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ जो मुकाबले होने, यानी दक्षिण अफ्रीका का जो टूर है भारत के लिए उसमें, और साथ ही साथ आयरलैंड के साथ जो दो T20 मुकाबले खेले, और ये मुकाबले जून के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगी, और उसमें आप कोच के तौर पे वीवीएस लक्ष्मण को देख सकते हैं जो अब तक अपडेट आ रही है, और दूसरी टीम जो इंग्लैंड दौरे पर जाएगी उसके कोच के तौर पे राहुल द्रविड़ आपको साथ में दिखाई देंगे। तो आपको ये खबर कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ क्या इन फ्यूचर ऐसा देखा जा सकता है कि राहुल द्रविड़ जब कोच के पद को त्यागेंगे या उनका जब जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा तो क्या वीवीएस लक्ष्मण एक कोच के तौर पे एक अहम भूमिका निभाते हैं इन फ्यूचर भारतीय टीम के लिए दिख सकते हैं। आपके में जो भी कमेंट लगे, अगर ये फैसला हो सकता है इन फ्यूचर भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।